I asked you to remember the formula and based upon which we are now solving two numericals. So as in this numerical part, of course, it is like dictating and then solving. So first, please take up the question so that you get to know how to do the things. First question, I'm starting. Please take down. The vapor pressure of pure benzene, the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. Full stop. Continue. Bar. What is the molar mass of solid?
given country. Of course, here are they go. He is asking, what is the molecular mass, that is molar mass of substance? Substance, no doubt it is the cell. MV equal to how much you need to find. Okay, you have given content. Now, what is the formula? Aapko yah pata hai. Kya pata hai? Formula says, P naught A minus P A divided by P naught A is equal to, formula was WB into MA divided by MP into WA, vice versa. Yes, we go to this case, sir. Right. Now, everything is there. Aapko put the value, get the answer. Karna hai. Pehle main substitute karo ke baad mein wala will go for what is how to calculate MP. Let me go first. Just substitute the values. P naught kitna rahega plus 0. Dekho bacho 0 point. 8 by 0 minus what is PA value? PA is 0.845 divided by what is P naught A? It is 0.850. It is equal to WB. How much the value is? It's 0.5. WB is 0.5 into what is MA? MA is 78 divided by MB value. Kitna aapko find karna hai, to find out MB there. Into what is WA? 39. ठीक है, तो बस सिंपलीफाई करेंगे. 0.850 माइनस 0.845 के अप्रोक्सीमेटली 0.005 डिवाइड बाय 0.850. इट विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो यू मे बी गेटिंग आई डोंट नो हाउ मच का वैल्यू. आई एम जस्ट राइटिंग द कंटेंट. सिंपलीफिकेशन आपका काम है क्योंकि मैं मैथ्स में भी हमेशा के तरह राइट. सो फ्रॉम दिस डाटा आई विल डायरेक्टली राइट द कंटेंट. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी MP इज इक्वल टू क्या? 0.5 इनटू 78 डिवाइड बाय 39 इनटू 0.00588. आई मीन आई हैव स्किप्ड वन स्टेप हियर. दिस सेकंड राइट दिस डिवीजन इट इज 0.00588 इक्वल टू दिस कंटेंट. That content is 0.5 into 78 divided by MB into 39. So you get final answer after simplification. It will be approximately 170 gram per. This is your answer. Okay. Hope it will got all the simplification. I have done directly. That is your task. सबके पास कैलकुलेटर भी होंगे शायद. आप जब वीडियो देखो तब होगा. सब्सक्राइब करो देन क्रॉस चेक वेदर इट इज गेटिंग और गेटिंग सेम वैल्यू और नॉट. हाउ टू गेट दिस वैल्यू इज 170 ग्राम पर मोल. नाउ गो फॉर सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4. न्यूमेरिकल नंबर 2. द वेपर प्रेशर ऑफ
टेम्परेचर बिकॉज टेम्परेचर हमारे फॉर्मूला में आता ही नहीं, जस्ट आपको एक्स्ट्रा कंटेंट दिया. नाउ व्हाट इज मीनिंग, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mmHg मिलीलीटर ऑफ मर्क्यूरी. तो वाटर इज अ सॉल्वेंट, ऑफ कोर्स 293 मतलब इट इज अ प्योर स्टेट. पी नॉट ए बिकम्स 17.535 mmHg. Calculate the vapor pressure.
vapor pressure of water is, the vapor pressure of water is 12.3 kilopascal, kPa, 12.3 kilopascal. मेजरमेंट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन उसमें से मोलारिटी मोलाल ही दिए थे, तो यहाँ पे क्या दिया, ही हैज गिवन 1 मोलाल MOLAL मोलाल सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलाल सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट 1 मोलाल सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन इट सी व्हाटएवर द 3 न्यूमेरिकल्स आर देयर, फर्स्ट न्यूमेरिकल वाज ऑफ डिफरेंट काइंड, सेकंड व्हाट आई नीड टू सॉल्व इज ऑफ अगेन डिफरेंट काइंड, थर्ड अब जो मैं आपको लिख रही हूं वो भी थोड़ा हटकर है. सो व्हाट इज दिस, ही हैज नॉट गिवन अगेन द डायरेक्ट वैल्यूज ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट कितना बोल के दे दिया, बल्कि इनडायरेक्टली वन सेंटेंस यूज किया 1 मोलाल. ठीक है, तो दैट 1 मोलाल विल बी गिविंग यू द अदर फैक्टर्स. सो बिफोर राइटिंग द गिवन कंटेंट्स प्लीज गो टू द क्वेश्चन वंस अगेन, लेट अस क्रॉस चेक. द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन. कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलाल सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट. ठीक है, सिर्फ दो कंटेंट दिया, वो कौन दिया, ऐसी वन टेम्परेचर इज इक्वल टू हाउ मच 300 केल्विन विच इज नॉट ऑफ आवर यूज राइट नाउ. और क्या दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ पानी, पानी मतलब प्योर सॉल्वेंट, इट इज पी नॉट इज इक्वल टू हाउ मच 12.3 किलो पास्कल प्रेशर. एंड आपको क्या फाइंड करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. So that will be again P is equal to how much, and he has given the strength of solution. The strength of solution he has given nothing other than that. So the strength kitna hai, solution kitna hai, it is of 1 molar. Theek hai, to aapko kya pata hai, you know that molality is equal to number of
WB is equal to 1 gram and MB is equal to 1 gram. Or one bacha? MA is equal to MA kaun hai? Solvent hai. Solvent is pani. Pani ka weight 18 gram. Abhi is pani ke kis tarah se numerical. Then what is MB? MB is molecular mass of solute. We don't know kitna hai. Solute kaun hai mujhe nahi pata lekin it is just one. Kyunki main har cheez one kyun le rahi kyunki question mein one molar. Fir madam one low bole bolke fir water ka bhi weight one loge. कांस्टेंट इज 18 ग्राम. यदि एक एक्स्ट्रा चीज है ये तो 1:1 इट्स अंडरस्टूड क्योंकि ये रेशियो नंबर ऑफ मोल्स सी एंड व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट टेकन बाय मॉलिक्यूलर वेट. इन दोनों का वैल्यू 1 आना इसका मतलब न्यूमरेटर भी 1 डिनोमिनेटर भी 1. इस हिसाब से आई विल टेक एवरीथिंग एज 1:1. ठीक है अब हर चीज है बच्चा क्या है पूर्ण वैल्यू. So I will put the things. Put करने के लिए one formula है, right? Formula, what is the formula? We know that P naught A minus P A divided by P naught A is equal to क्या आता first one? W B into M A divided by M B into W A. ठीक. Next substitute. What is P naught A? Yes, given. 12.3 minus PA हमको नहीं पता find करना है divided by P naught A is 12.3 is equal to WB. हर चीज one one है except अब पानी का weight 18 divided by molecular weight of solvent and molecular weight of solute is 1. नहीं क्या गलती की है देखो यहाँ पे 1000 gram is there right. Sorry weight of solvent WB 1 नहीं लेंगे because weight of solvent is equal 1000 gram. WB will be so the answer will be यहाँ पे 18 by. ठीक है this is 1 gram. बार बार लिखेंगे same चीज. this is our WA. weight of पानी is 1 kg equal to 1000 gram. Now substitute the things. 12.3 minus PA divided by 12.3 is equal to 18 by 1000. This can I write? 12.3 minus PA divided by 12.3 is equal to the value is around 0.018. Hence, I can conclude that this completes the chapter. Or do content.